नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे लाल किताब के अंदर ऐसे उपाय दिए गए हैं, अगर आप इनको सच्चे मन के साथ कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके घर के अंदर गरीबी नहीं रहती। दोस्तों, आज के समय व्यक्ति के पास दो चीजें भरी हुई होती है तो व्यक्ति समझ लीजिए संसार का सबसे सुखी व्यक्ति माना जाता है। भूख लगने पर उस व्यक्ति का पेट भरा रहता है और दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी हो तो उसका पर्स पैसों से भरा रहता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि वह व्यक्ति दुनिया पर राज करता है, उसे आज के समय इसके अलावा कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने जेब के अंदर या अपनी अलमारी तिजोरी के अंदर यह चीजें रख लेते हैं तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करते हैं, किसी भी तरह की कमी आपको नहीं रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो लक्ष्मी से जुड़ी होती है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहली चीज, दोस्तों पहले तो इस बात का ध्यान रखें, जिस पर्स के अंदर आप पैसा रखते हैं वह पर्स आपका कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। उस पर्स के अंदर सदैव कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, चाहे एक रुपए का सिक्का भी क्यों ना हो। अपने पर्स को संपूर्ण रूप से कभी भी आपको खाली नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, पर्स के अंदर कभी भी कुछ लोग आपसे पैसा मांगते हैं तो पैसे मांगने का हिसाब भूल कर भी पर्स के अंदर नहीं रखें, ना ही पर्स के अंदर फालतू के बिल कचरा आदि आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हैं, अगर आपका पर्स कटा फटा भी होता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आ जाती है और देखते ही देखते आप कंगाली के आगे हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी चीजें पर्स में नहीं रखें। तो कौन सी रखें इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको अपने पर्स के अंदर बैठी हुई लक्ष्मी जी की एक छोटी सी तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। माना जाता है जिन लोगों के पर्स के अंदर लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा के अंदर तस्वीर होती है उनका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहता, अपने आप ही उनके घर परिवार के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और पैसों की कमी उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर कभी भी नहीं रहती है। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो आपको एक चांदी का सिक्का छोटा सा अपने पर्स के अंदर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि पैसा पैसे को जिस प्रकार चुंबक को खींचती है, लोहे को खींचती है, उसी प्रकार पैसा पैसे को खींचता है। तो एक छोटा सा चांदी का सिक्का जरूर अपने पास रखें जिसके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की तस्वीर अंकित हो। ऐसी तस्वीर अगर आप अपने पर्स के अंदर रखते हुए सिक्का रखते हैं तो दोस्तों वह चांदी अपने आप ही आपको धन की वृद्धि करवाती है, आपके पर्स अलमारी तिजोरी सदैव हमेशा भरा हुआ रहता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके पास चांदी नहीं है तब आप एक छोटा सा काम कीजिए कि एक बेलपत्र लें या फिर दोस्तों या एक पीपल का पत्ता लें, उस पीपल के पत्ते पर आप क्या करें कि एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, उसके बाद आप उस पीपल के किनारे किनारे आपको बिंदी सिंदूर की सहायता से लगानी है और उसके बाद उस पीपल को इकट्ठा करते हुए कागज के अंदर बांधकर पीपल के पत्ते को आप उसे अपने घर अपने पर्स के अंदर रख दें। दोस्तों पीपल धन को खींचने का काम करती है, साक्षात देवी लक्ष्मी साक्षात भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और ऐसा पर्स कभी भी खाली नहीं रहता। दोस्तों अगर आपको कुंडली के अंदर गुरु ग्रह की क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है, गुरु ग्रह आपसे नाराज है तो कई बार गुरु ग्रह नाराज होने की वजह से भी धन की कमी हो जाती है, तब आप क्या करें संख्या के अंदर 5, 7, 3, 9, 11 इस प्रकार से चावल के दाने ले लें और उसके बाद उन दानों को आपको हल्दी की सहायता से पीला कर लेना चाहिए। हल्दी की सहायता से उन दानों को पीला करें और उसके बाद अपनी मुट्ठी के अंदर दानों को लेते हुए धन की मनोकामना भगवान लक्ष्मी विष्णु से मांग ले और उसके बाद एक पीले कलर का कागज या पीले कलर का कपड़ा ले, उसके अंदर वह चावल के दाने बांधकर उसे आप अगर अपने पर्स की अलमारी या तिजोरी के अंदर रख लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, आपका पर्स सदैव अपने आप ही धन की कभी भी कमी का सामना नहीं करता बल्कि सदैव धन की मेहरबानी उस पर्स के ऊपर होती रहती है। दोस्तों इसी तरह गोमती चक्र को भी लक्ष्मी जी का वाहक माना गया है। गोमती चक्र जिस व्यक्ति के पास होता है उसको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपको लक्ष्मी मंदिर के अंदर से गोमती चक्र मिल जाता है तो वह लेकर आप अपने पर्स के अंदर रख देते हैं तो दोस्तों धन चक्र की भांति आपके जीवन के अंदर चलता
टिकता रहता है, आता है जाता है लेकिन उसके बाद आपके पास भी टिकता रहता है। अर्थात कहते हैं कि कमाते आप दो है तो खर्च आपका एक होता है, और बिना गोमती खर्च के कमाते एक है और खर्च तीन होता है। इतना ज्यादा प्रभावशाली देखने को मिलता है दोस्तों। इसी तरह रुद्राक्ष को भगवान शिव का आंसू माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास रुद्राक्ष होता है उसके पास कभी भी गरीबी या दरिद्रता नहीं पटकती है, बल्कि सदैव उस व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाएं, तब आप एक रुद्राक्ष का छोटा सा सबसे बारीक जो दाना आता है उस दाने को लें, और उस दाने को आप अपने जो आप रुमाल काम में लेते हैं उस रुमाल के एक कोने के अंदर आपको उसे किसी भी धागे की सहायता से आपको बांध देना चाहिए। माना जाता है कि जिससे आपका रुमाल पवित्र रहता है, आप जब भी उसे चेहरा पहुंचते हैं तब आप अपनी किस्मत को चमकाने का काम करते हैं, और माना जाता है कि ऐसा रुमाल सदैव आपको तरक्की देता है, ऐसा रुमाल कभी भी आपको नाराज नहीं करता है दोस्तों। इसी तरह इलायची भी अनेक प्रकार, जैसे भारतीय मसाला है तो केवल और केवल भारतीय मसाला ही नहीं बल्कि कई प्रकार के ज्योतिषीय तांत्रिक उपाय में इलायची का विशेष योगदान रहा है। यह आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि का एक पौधा मान सकते हैं। तब आप क्या करें, इस इलायची का एक दाना लें, हरा दाना, इसको ध्यान रखें कि आप इसे तोड़े नहीं, इसके दाने अलग नहीं करें, काले वाले हरे दाने को लें, और उसके बाद एक तुलसी का पत्ता लें। दोस्तों तुलसी देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो इलायची को देवी लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है धन वृद्धि हेतु, और साथ ही साथ लक्ष्मी खींचने हेतु इलायची का विशेष महत्व रखता है। तब आप क्या करें, तुलसी के पत्ते के मध्य आपको इस इलायची के दाने को लपेट लेना है, और लपेटने के बाद क्या करें कि आप एक घर के अंदर दीपक जलाएं, और दीपक जलाते हुए ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करना है दोस्तों। यह मंत्र आपका पूरा हो जाए और उसके बाद तुलसी के पत्ते और उस इलायची को आपको वहीं पर जलाकर उसकी राख बना देनी चाहिए। उसके बाद क्या करें, उस राख को आप एक सफेद कलर का कागज लें, और सफेद कलर के कागज पर आपको उस राख की सहायता से आपको श्री लक्ष्मी लिखना है, केवल और केवल मात्र श्री लक्ष्मी लिख दे, और उसके बाद उस पेपर को समेटकर अगर आप अपने पर्स अलमारी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख देते हैं तो दोस्तों देवी लक्ष्मी कभी भी आपसे दूर नहीं रहती, बल्कि उसका आपके पास ही वास हो जाता है। देवी लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहती है, और वह आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन वृद्धि करवाती है। यह उपाय जिन लोगों ने भी किया है उन्हें धन की कभी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों आप अपने पर्स के अंदर एक छोटी सी हनुमान चालीसा जरूर रख सकते हैं। ऐसा रखने से शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होते, आपको दिन दूनी रात दोगुनी गति से तरक्की देखने को मिलती है, आपको अनावश्यक दुर्घटना, अकाल मृत्यु या फिर किसी प्रकार के पिशाच का भय नहीं रहता है अगर आप अपने पर्स के अंदर हनुमान चालीसा रखते हैं। इसी तरह धन को खींचने के लिए समाज के अंदर मान सम्मान यश वृद्धि चाहते हैं, तब आप क्या करें कि आप एक महालक्ष्मी यंत्र बना लें, और लक्ष्मी कुबेर यंत्र बनाकर आप इसे अपने पर्स के अंदर रख लेते हैं ताम्र पत्र के ऊपर, तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं रहती। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।